तो हम डिस्कस कर रहे थे लॉजिक के बाद मैथमेटिक्स। तो लॉजिक का जो कॉन्सेप्ट है वो अरस्तू ने इंट्रोड्यूस करवाया, बाद में उसको जो उसको फॉर्मल लैंग्वेज में जो कन्वर्ट किया वो बूल्स ने किया कन्वर्ट। उसके बाद बूल्स का जो काम था वो कम इनकम्प्लीट था, लेकिन उसके बाद आने वाले जितने भी मैथमेटिशियन थे उन्होंने उस काम को कंप्लीट किया। लाइक जो गॉटलॉब था उसने 1848 से लेकर 1925 तक जो उसका पीरियड था उसने एक लॉजिक प्रोड्यूस की जिसमें कुछ नोटेशनल चेंजेस थी और उसमें जो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को यूज किया गया जो अब भी इन प्रैक्टिस है। और सबसे जो बेसिक नॉलेज रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है वो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में ही एक्सप्रेस किया जाता है। उसके बाद अल्फ्रेड टार्स्की उसने एक थ्योरी ऑफ रेफरेंस प्रोड्यूस की जिसमें उसने बताया कि जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस तरह लॉजिकल वे में ऑब्जेक्ट्स के साथ रिलेट किए जा सकते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था कि वो डिटरमाइन किया जाए कि क्या इसकी लिमिट है कि जो लॉजिक है और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को रिलेट कर रहे हैं उनको रियल वर्ल्ड में कंप्यूटेशन में कहाँ तक जो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। डेविड हिल्बर्ट जो है वो एक और मैथमेटिशियन था। उसका जो सबसे जो वेल नोन कारनामा उसे कह लें कि जो है वो उसने ऐसी प्रॉब्लम्स प्रेजेंट की जो उसने खुद सॉल्व नहीं की। 1900 में उसने 23 प्रॉब्लम्स की लिस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस की और उसमें उसने प्रेडिक्ट किया कि जो नेक्स्ट सेंचुरी होगी उसमें जो मैथमेटिशियंस होंगे दे वुड ऑक्यूपाई दैट होल सेंचुरी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। उसमें जो फाइनल प्रॉब्लम था कि अगर एक एल्गोरिदम हो जो डिसाइड करे कि किसी भी लॉजिकल प्रोपोजिशन का ट्रुथ जो है नेचुरल नंबर्स के अंदर वो कैसे प्रेजेंट करे, इसके लिए उसने उसकी जो फेमस एक प्रॉब्लम थी इनचाइडोस प्रॉब्लम या डिसीजन प्रॉब्लम वो उसने प्रेजेंट की। तो जो हेल्बर्ट था वो उस प्रॉब्लम में पूछ रहा था कि व्हाट वर द फंडामेंटल लिमिट्स टू द पावर ऑफ इफेक्टिव प्रूफ प्रोसीजर्स। तो 1930 में कर्ट गॉडेल ने के बताया कि देर एग्जिस्ट देर एग्जिस्ट एन इफेक्टिव प्रोसीजर टू प्रूव एनी ट्रू स्टेटमेंट इन द फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक ऑफ फ्रेच एंड रसल, बट फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक कुड नॉट कैप्चर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन टू नीडेड टू करेक्टराइज नेचुरल नंबर्स। फिर इसी तरह 1931 में उसने शो किया कि जो रियल लिमिट है वो एग्जिस्ट करती हैं, उसकी जो इनकम्प्लीटनेस थ्योरम था उसमें उसने शो किया। सर अस्सलाम वालेकुम सर, ये आप जो पढ़ा रहे हैं ना शो नहीं हो रहा स्लाइड ना। उसके बाद 1931 के अंदर
उसने जो मैथमेटिशियन था उसने शो किया कि जो भी नेचुरल नंबर की प्रॉब्लम्स हैं उनकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है, और उसने एक इनकम्प्लीटनेस थ्योरम जो है वो शो किया, और उसने उसने बताया कि जो भी लैंग्वेज होगी दैट शुड बी एक्सप्रेसिव इनफ टू डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर, एंड देर आर ट्रू स्टेटमेंट्स दैट आर अनडिसाइडेबल, देयर ट्रूथ कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड बाई एनी एल्गोरिदम। कि कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं जिनका जो ट्रूथ है वो कोई भी एल्गोरिदम है वो एस्टेब्लिश ना कर सके, तो देर माइट एग्जिस्ट दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स। और इसके अलावा जो फंडामेंटल रिजल्ट है उसको भी इंटरप्रेट किया जा सकता है, और उसके जो फंक्शंस हैं उनको इंटीजर्स के ऊपर जो है वो बेस किया जा सकता है, और उनको एक एल्गोरिदम की सूरत में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद एलन ट्यूरिंग का जो पीरियड है 1912 से लेके 1954 तक, और उसमें उसने करेक्टराइज किया कि कौन से फंक्शंस हैं जो कंप्यूटिंग कर सकते हैं, और ये जो नोशन थी ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक थी क्योंकि जो कंप्यूटेशनल अफेक्टिवनेस थी उसकी को कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं दी जा सकती थी। उसके बाद जो चर्च ट्यूरिंग था उसने एक थीसिस लिखा जिसका नाम था चर्च ट्यूरिंग थीसिस, और उसमें उसने ट्यूरिंग मशीन को एक्सप्लेन किया 1936 के अंदर, और उसमें उसने बताया कि ट्यूरिंग मशीन जो है वो कोई भी कंप्यूटेबल फंक्शन को कंप्यूट करने की सलाहियत रखती है, और उसको जो है एक सफिशिएंट डेफिनेशन के तौर पे एक्सेप्ट किया गया। और ट्यूरिंग ने ये भी दिखाया कि कुछ ऐसे फंक्शन है जिसको ट्यूरिंग मशीन के जरिए कंप्यूट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, नो मशीन कैन टेल इन जनरल वेदर अ गिवन प्रॉब्लम विल रिटर्न एन आंसर ऑन अ गिवन इनपुट और रन फॉर एवर। मतलब कोई ऐसी इनपुट है जिसके ऊपर जो मशीन है वो उसका कोई सलूशन देगी, या मशीन जो है वो उसके उसी को प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ट्राई करती रहेगी। अब इसमें जो अनडिसाइबिलिटी थी या अनकंप्यूटेबिलिटी थी दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑफ कंप्यूटेशन। इसमें जो थी इंटरेक्टिबिलिटी, और उसका जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, लाइक रफली स्पीकिंग जो एक क्लास ऑफ प्रॉब्लम है उनको इंट्रैक्टेबल कहा जाता है। इफ द टाइम रिक्वायर्ड टू सॉल्व इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास ग्रोज एट लीस्ट एक्सपोनेंशियली विद द साइज ऑफ द इंस्टेंसेस, द डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉलिनोमियल एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन कॉम्प्लेक्सिटी वाज फर्स्ट एम्फसाइज्ड इन मिड 1960s। इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मीन्स दैट इवन मॉडरेट साइज इनपुट एंड इंस्टेंसेस कैन नॉट बी सॉल्व इन रीजनेबल टाइम, देयरफॉर वन शुड स्ट्राइव टू डिवाइड द ओवरऑल प्रॉब्लम ऑफ जनरेटिंग इंटेलिजेंस बिहेवियर इनटू ट्रैक्टेबल सब प्रॉब्लम्स रेदर देन इंट्रैक्टेबल वंस। तो इंट्रैक्टेबल वंस जो इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स हैं ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनमें जो कंपटीशन टाइम है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। तो ये थ्योरी बताती है कि कोई भी अगर इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स हैं उनको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना चाहिए ताकि वो ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाए। अब इसमें जो सेकंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटरेक्टेबिलिटी के बाद दैट वाज कम इन एग्जिस्टिंग इन 1960s, उसको कहते हैं रिडक्शन थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इज रिडक्शन, और ये भी 1960s में इंट्रोड्यूस हुआ।
रिडक्शन के जरिए क्या किया जाता है कि एक जो जनरल ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है एक क्लास के प्रॉब्लम से दूसरी क्लास के प्रॉब्लम के अंदर, तो जो फर्स्ट क्लास है उनमें से जो प्रॉब्लम को रिड्यूसिंग के जरिए सेकंड क्लास के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और उन प्रॉब्लम्स को जो है वो बाद में सॉल्व किया जाता है। हम किस तरह रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम जो है वो इंटरैक्टेबल है प्रॉब्लम है, तो उसके लिए थ्योरी ऑफ एनपी कंप्लीटनेस है और इसको जो पाइनर किया था वो स्टीवन कुक ने 1971 में किया था और रिचर्ड कॉप ने 1972 के अंदर, जिसमें एक मेथड उन्होंने प्रपोज किया था। कुक और कार्प ने शो किया था कि जो लार्ज क्लासेस हैं जिसके अंदर कैनोनिकल कम्बिनेशनल सर्च या रीजनिंग प्रॉब्लम्स हैं, दोज आर एनपी कंप्लीट। तो जो भी कोई प्रॉब्लम क्लास है उनको एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम के जरिए रिड्यूस किया जा सकता है और उसको इंटरैक्टेबल प्रॉब्लम कहा जाता है। अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ कि जो एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स हैं दे आर नेसेसरली इंटरैक्टेबल। जो थ्योरेटिकेशंस हैं उसमें जो है वो बिलीव किया जाता है। अब ये जो रिजल्ट्स हैं ये कंट्रास्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सुपर ब्रेन जो एंथुसिएज्म है दैट वाज द इन्वेंट ऑफ कंप्यूटर्स। अब जो कंप्यूटर की स्पीड है वो हर वक्त इवॉल्व होती रहती है, तो जो केयरफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज के जरिए हम कोई भी इंटेलिजेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लॉजिक और कंपटीशन के अलावा जो थर्ड ग्रेट कंट्रीब्यूशन है वो मैथमेटिशियन का टू एआई वो है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसमें जो इटालियन जर्लेमो कार्डेनो एक साइंटिस्ट था जिसने पहली दफा जो आइडिया ये फ्रेम किया कि जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, वो पॉसिबल आउटकम ऑफ गैम्बलिंग इवेंट्स है। तो इसके जरिए जो सर्टेनिटी है गैम्बलिंग इवेंट्स की उसकी बेस के ऊपर हम जो है वो एआई सिस्टम्स को बेस कर सकते हैं। जिस तरह लॉजिक है एक कनेक्शन जो है वो प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग और एक्शन के दरमियान में होना चाहिए और उसको कहते हैं डिसीजन थ्योरी। डिसीजन थ्योरी जो है वो पाइनर की थी जॉन वॉन न्यूमैन ने और ऑस्को मर्चेंटन ने 1944 में। इसमें डिसीजन थ्योरी में जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी को कंबाइन किया गया था यूटिलिटी थ्योरी के साथ और इसके जरिए जो एक फॉर्मल और कंप्लीट फ्रेमवर्क है जो किसी भी एजेंट के प्रेफरेंसेस को बताता है और उसके जरिए जो फर्स्ट जनरल थ्योरी थी वो बताई गई जो डिस्टिंग्विश करती है बिटवीन गुड एक्शंस एंड बैड वंस। तो जो डिसीजन थ्योरी है ये मैथमेटिकल सक्सेसर है टू यूटिलिटेरियनिज्म और ये प्रोवाइड करती है थ्योरेटिकल बाइसिस फॉर मेनी ऑफ द एजेंट डिजाइंस। जो भी एजेंट के डिजाइंस हैं उनके ऊपर जो गुड एक्शन है या बैड एक्शन है उसके ऊपर जो है वो डिसीजन थ्योरी अप्लाई होती है। नेक्स्ट है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी जो है ये भी एक डिसिप्लिन है जिसके बहुत से आइडियाज और थ्योरीज जो को एआई के ऊपर इम्प्लीमेंट किया।
साइकोलॉजी डील्स हाउ डू ह्यूमन थिंक्स एंड एक्ट्स, और इसमें जो ह्यूमन माइंड है उसमें जो रीजनिंग यूज होती है और जो एक्टिंग यूज होती है उनको एआई में इम्प्लीमेंट किया गया है। और इसमें साइकोलॉजी में बहुत से रीजनिंग मॉडल्स हैं जिनको एआई के लिए यूज किया जाता है। और इसके अलावा ये जो है ह्यूमन और दूसरे जो एनिमल्स हैं उनको एज ए इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन के तौर पे कंसीडर करता है जो साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है। इसमें जो बिहेवियरिज्म है, और इसमें बिहेवियरिज्म स्टिमुलस लीड्स टू रिस्पांस, के लाइक कोई भी स्टिमुलस है वो किस तरह एक्शंस के ऊपर असरअंदाज होता है ये उसके ऊपर बेस करता है। बिहेवियरिस्ट इंस्टेड ऑन स्टडिंग ओनली ऑब्जेक्टिव मेजर्स ऑफ द परसेप्ट्स और स्टिमुलस गिवन टू एन एनिमल एंड इट्स रिजल्टिंग एक्शंस आर रिस्पॉन्सिस मेंटल कंस्ट्रक्ट सच एज नॉलेज बिलीव्स गोल्स एंड रीजनिंग स्टेप्स वर डिसमिस्ड एज अनसाइंटिफिक फॉक्स साइकोलॉजी। जबकि जो बिहेवियरिज्म है डिस्कवर्ड अबाउट रैट्स एंड पिजन्स बट हैड लेस सक्सेस अंडरस्टैंडिंग ह्यूमंस। The view that the brain processes and process information, which is the principal characteristics of cognitive psychology, can be tracked back at least to the works of William James. The brain is now thought of in terms of computer science constructs like IO units and processing center. तो जब शुरू की जो artificial intelligence की history है उसमें जो cognitive science है उसकी कोई significant distinction नहीं जो दो fields थी AI और cognitive science की, और जो AI के programs थे उनको psychological programs के तौर पे भी डिस्कस किया जाता था। तो उसके बाद लास्ट डिकेड के अंदर जो मेथडोलॉजिकल डिस्टिंक्शंस हैं वो क्लियर हो गई, और अब जो ये कॉग्निटिव साइंस है और साइकोलॉजी है ये दो डिफरेंट फील्ड्स हैं, ये अलग से फील्ड है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स। How do we make decisions so as to maximize payoff? तो ये economics theories भी AI के अंदर use की जाती हैं कि किस तरह हम जो decisions हैं उनको कैसे decision को लिया जाए कि जो उसकी maximum output हो, और किस तरह ये जो है payoff करेंगे future के अंदर। इसमें जो कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी का 1900 सेंचुरीज में, ये गेम थ्योरी थी जो मिड 1900s के अंदर, ये थ्योरीज जो है इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंट्रोड्यूस करवाई गई। कंप्यूटर इंजीनियरिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सक्सेस बनाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है, एक इंटेलिजेंस और एक आर्टिफैक्ट। तो कंप्यूटर को हम कह सकते हैं कि ये एक आर्टिफैक्ट है, और उसमें इसके जरिए हम इंटेलिजेंस को डिमोंस्ट्रेट कर सकते हैं। जो मॉडर्न डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स हैं उनको इंडिपेंडेंटली इन्वेंट किया गया, और जो तीन डिफरेंट मुल्कों के जो लोग थे साइंटिस्ट थे उनको उन्होंने
इसको इम्प्लीमेंट किया और ये वर्ल्ड वार टू के दौरान में इन्वेंट हुआ। जो फर्स्ट जो मॉडर्न कंप्यूटर था वो हीथ रॉबिन्सन था, जिसको 1940s में एलन ट्यूरिंग की टीम ने जो है वो इन्वेंट किया। और जिसका काम क्या था कि वो जर्मन मैसेजेस को डिसाइफर करे। डिसाइफरिंग का मतलब है कि कोई भी मैसेज जब इंक्रिप्ट किया जाता है तो इंक्रिप्ट करने से पहले उसको प्लेन टेक्स्ट कहते हैं, और इंक्रिप्शन के बाद दैट टेक्स्ट इज कॉल्ड साइफर टेक्स्ट, और उसको दोबारा अगर डिक्रिप्ट करना हो तो इस प्रोसेस को डिसाइफरिंग कहते हैं। जब जर्मन्स ने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोडिंग थ्योरीज यूज़ करना शुरू कर दी, और जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले थे जो रॉबिन्सन कंप्यूटर के अंदर यूज़ हो रहे थे वो स्लो कंसीडर हुए बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इंक्रिप्शन, तो फिर एक और नई मशीन जिसको क्लासोस कहा गया, उसको वैक्यूम ट्यूब्स के जरिए बिल्ड किया गया। और जो क्लासोस था वो 1943 में कंप्लीट हुआ, और जब तक जो वॉर थी एंड हुई तो उस वक्त तक जो क्लासोस मशीन थी वो यूज होना शुरू हो। जो पहला ऑपरेशनल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था वो Z3 था, और उसको कोनार्ड ज़ियूस ने जर्मनी में 1941 के अंदर इंट्रोड्यूस किया। ज़ियूस ने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया Z3 के अंदर, और 1945 के अंदर उसने एक प्लैंक कैलकुल जो था सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। दैट वाज द फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ज़ियूस के अंदर जो स्पोर्ट थी वो थर्ड रीच की थी, और उसको यूज किया गया एयरक्राफ्ट डिजाइन के अंदर। तो उस वक्त इसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिली जितनी कि ब्रिटेन के अंदर कंप्यूटर्स को मिली। यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो ABC था, उसको जॉन अटेनसॉफ ने और उसकी जो ग्रेजुएट स्टूडेंट था कैलिफोर्ड बेरी, उसको 1940 और 1942 के अंदर इन्वेंट किया लावा स्टेट यूनिवर्सिटी में, और इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट मिली। लेकिन बाद में इसको अबंडन किया गया जब अटेनसॉफ बिकेम इन्वॉल्व्ड इन मिलिट्री रिसर्च इन वाशिंगटन। इसके अलावा दो कंप्यूटर प्रोजेक्ट थे जो स्टार्ट हुए सीक्रेट मिलिट्री रिसर्च के नतीजे में, लाइक द मार्क 1, 2, and 3 कंप्यूटर्स वर डेवलप्ड एट हार्वर्ड बाय अ टीम अंडर हार्वर्ड एकन। और उसके बाद जो एनिक था वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ने इन्वेंट किया, जिसमें जॉन मैकली और जॉन एकर्ट ये दो साइंटिस्ट जो थे वो इंक्लूडेड थे। एनिक जो था वो फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, और इसकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन थी वो ये थी कि वो आर्टिलरी फायरिंग टेबल्स को प्रोड्यूस करता। उसके बाद जो एडबेक था जो जॉन वॉन न्यूमैन्स की सजेशन के ऊपर बना, जिसमें एक स्टोर प्रोग्राम था और ताकि जो टेक्नीशियंस हैं वो जो उसमें कुछ चेंजेस आता है पैच आता है उसको न्यू प्रोग्राम के ऊपर रन कर सके। सबसे जो बड़ा ब्रेक थ्रू था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में वो IBM 701 था, और जिसको 1952 में नेथिनल रोचेस्टर और उसके ग्रुप ने बिल्ड किया। और ये पहला कंप्यूटर था जिसके जरिए IBM ने जो है वो प्रॉफिट अर्न किया। और जो IBM था वो सबसे दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई दैट वाज गोइंग टू बिल्ड कंप्यूटर्स
और जो कंप्यूटर सेल करती थी, और उसका जो प्रॉफिट था वो 150 बिलियन पर ईयर तक पहुंच गया। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो कंप्यूटर इंडस्ट्री थी जिसके अंदर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज थी, वो टोटल ग्रॉस प्रोडक्ट थी उस वक्त यूएस की, उससे 10% तक पहुंच गया। इसमें जितनी भी जनरेशन कंप्यूटर हार्डवेयर की आई थी उसमें स्पीड और जो कैपेसिटी है वो बढ़ती गई और उसकी जो प्राइस है वो कम कर होती गई। कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो है वो बहुत सक्सेसफुली इवॉल्व हुई और इसमें जो स्पीड है और परफॉर्मेंस है वो रेगुलरली हर 2 साल के बाद डबल हो रही है। और इसमें जो जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो कांस्टेंट है। तो जितनी भी बड़ी बड़ी मशीन्स आ रही हैं उसके अंदर जो इसकी परफॉर्मेंस है या ओवरऑल थ्रूपुट है वो बढ़ती जा रही है। इससे पहले भी जो कुछ कैलकुलेटिंग डिवाइस थे जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से पहले यूज होते थे, लाइक अबेकस। अबेकस जो है वो 7000 ईयर ओल्ड है, जो 17th सेंचुरी के अंदर यूज होता था। तो ब्लेज पास्कल ने एक मैकेनिकल जो है वो डिवाइस जो एडिंग और सबट्रैक्ट करता था, पेसलीन जो है वो इन्वेंट की, और फिर लेबनीज ने इसको इम्प्रूव किया 1694 के अंदर, जिसके अंदर जो एक और मैकेनिकल डिवाइस बिल्ड की जो मल्टीप्लाई करती थी बाय डूइंग रिपीटेड एडिशन। और इसमें जो प्रोग्रेस है वो पूरे 100 साल तक होती रही। फिर उसके बाद चार्ल्स बैबेज ने जो एक लॉगरिथम टेबल जो है वो बताया कि उसको भी मशीन के जरिए कंप्यूट किया जा सकता है, और उसने एक मशीन इन्वेंट की जो ये टास्क परफॉर्म करे। लेकिन ये मशीन जो है या ये प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट नहीं हो सका। बल्कि उसने क्या किया कि जो एक एनालिटिकल इंजन का डिजाइन दिया, और इस वजह से जो बैबेज है उसने एड्रेसेबल मेमोरी का आइडिया दिया, और उसमें स्टोर्ड प्रोग्राम्स हो और कंडीशंस हो, कंडीशनल जंप्स हो। जो ये आइडिया था प्रोग्रामेबल मशीन का वो न्यू नहीं था। 1805 के अंदर जोसेफ मैरी जैकॉट जो था उसने एक लूम इन्वेंट की जिसको प्रोग्राम किया जा सकता था पंच कार्ड्स के जरिए। बैबेज मशीन जो थी वो फर्स्ट आर्टिफैक्ट थी जिसके अंदर जो नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक्स दोस पर रिक्वायर्ड फॉर यूनिवर्सल कंपटीशन वो सारे थे। बैबेज का एक कोलीग था एडा लॉवलेस, दैट वाज अ डॉटर ऑफ पोएट लॉर्ड बायरोन। उसने प्रोग्राम लिखे एनालिटिकल इंजन के लिए और उसने बताया कि ये जो मशीन है दिस मशीन कैन प्ले चेस या म्यूजिक भी कंपोज कर सकती है। लवलेस वाज अ वर्स्ट फर्स्ट प्रोग्रामर एंड द फर्स्ट ऑफ मैनी टू एंड्योर मासिव कॉस्ट ओवररन्स एंड टू हैव एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट अल्टीमेटली अबैंडन्ड। जो बैबेज का बेसिक डिजाइन था उसको ड्रोन स्वेट ने और उसके जो कलीग्स ने उनको फिजिबल किया, और जिसने एक वर्किंग मॉडल बनाया जिसके अंदर मैकेनिकल टेक्निक्स थी जो कि बैबेज के टाइम के ऊपर अवेलेबल थी। तो बैबेज जो उसका एक आइडिया था वो लैक द ऑर्गेनाइजेशनल स्किल टू गेट हिज मशीन बिल्ड। AI में जो सॉफ्टवेयर साइड के ऊपर भी जो कंप्यूटर साइंस की फील्ड है उस की भी कंट्रीब्यूशन है, जिसके जरिए जो है ऑपरेटिंग सिस्टम था वो अवेलेबल हुआ,
और जो टूल्स हैं जिसके जरिए मॉडर्न प्रोग्राम्स जो हैं उनको लिखा जा सकता है। लेकिन इसमें जो है एआई ने पे बैक किया। और इसके अंदर बहुत से जो कॉन्सेप्ट थे लाइक टाइम शेयरिंग, इंटरेक्टिव इंटरप्रेटर्स, इनको यूज किया गया, लिंक लिस्ट डेटा टाइप, जो ऑटोमेटिक स्टोरेज मैनेजमेंट है, और उसके अलावा जो की कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स हैं, उनको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जरिए इम्प्लीमेंट किया गया। नेक्स्ट है न्यूरो साइंस। न्यूरो साइंस इज अ स्टडी ऑफ द नर्वस सिस्टम, स्पेशली ब्रेन। अ कलेक्शन ऑफ सिंपल सेल्स कैन लीड टू थ्रू आउट थॉट एंड एक्शन। न्यूरो साइंस में हमें पता चलता है व्हाट इज साइकिल टाइम। साइकिल टाइम का मतलब है ह्यूमन ब्रेन माइक्रो सेकेंड्स, कंप्यूटर्स नैनो सेकेंड्स। The brain is still 100,000 times faster than computer systems. Control theory and cybernetics. How can artifacts operate under their own control? तो उसके लिए ये control theory है जो contribute करती है artificial intelligence के अंदर। इसमें जो artifacts हैं, वो they adjust their actions to do better for the environment over time, based on objective function and feedback from the environment. Thus, control theory and cybernetics is not limited only to linear system, but also other problems like language, vision, and planning. So, control theory को जो Alexandria में introduce किया गया था with water clock. That was a purposeful behavior as arising from a regulatory mechanism to minimize the difference between goal state and current state, that is error. Robotics, the science and technology of robots, their design, manufacture and application. इसके लिए Isaac Asimov उसने जो कॉन्सेप्ट है रोबोटिक्स का वो इंट्रोड्यूस करवाया। मैकाट्रॉनिक्स, मैकाट्रॉनिक्स मींस मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग व्हिच कंबाइंड मेक पॉसिबल द जनरेशन ऑफ सिंपलर, मोर इकोनॉमिकल, रिलायबल एंड वर्सटाइल सिस्टम। साइबरनेटिक्स, द स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल, टिपिकली इन्वॉल्विंग रेगुलेटरी फीडबैक इन लिविंग organizing in machines and in combinations of the two. Linguistic, for understanding natural